महिला शक्ति संचालन समिति ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में महिला शक्ति संचालन समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व वर्षों की भांति खेल मैदान में बालिका एवं महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, लेकिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व होने के कारण गैरसैंण में महिला शक्ति संचालन समिति ने महिला दिवस को उससे पूर्व मनाया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने भी महिलाओं के उत्साह बढ़ाने के लिए शिरकत की। कार्यक्रम में गैरसैंण प्रखंड के दर्जनों गांवों की महिला मंगल दलों ने कन्या भ्रूण हत्या, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, फैशन शो और पारंपरिक लोक संस्कृति पर आधारित कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस यहाँ पर लगातार हमारे की महिलाओं द्वारा मनाया गया है और इस दिवस में आज मार्च को लेकिन होने के कारण ये जो है अलग अलग न्याय पंचायत में विकास करने के अलग अलग न्याय पंचायतों में अलग अलग दिन जा रहा है और यहाँ पर हमारे जो महिला दिवस मनाया जा रहा है महिला संचालन समिति नगर क्षेत्र जैसे कम से कम 26 से 27 भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मी जी और उनकी पूरी टीम हमारी मात्र शक्ति हमारी जो महिलाएं और हमारी बहनें हैं पहले की अपेक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष सरोज हाजी हैं। इसी में नहीं बल्कि प्रत्येक जो भी क्षेत्र की आवाज है क्षेत्र में क्षेत्र के विकास के लिए हो अपने कार्यक्रम में आज सबसे आगे मार्च को ही मनाया जाना था और उस दिन है शिवरात्रि का व्रत ताकि लोग उस दिन अपने व्रत के उसमें रहते हैं व्रत में काफ़ी व्यस्त रहते हैं इसलिए महिलाओं ने ये निर्णय लिया हमसे भी उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या हम इस दिन को मनाने के लिए जा रहे हैं आपकी क्या राय हमने भी यस कहा हमने कहा ठीक है हम कई लोगों से उन्होंने विचार विमर्श किया हमने कहा अच्छी बात एक बार की उसके बाद फिर समय अभी पूरा होना हो सकता कि आचार संहिता भी लग सकती है उसके बाद ये कार्यक्रम होना बाद में संभव ही नहीं था क्योंकि ये मार्च का महीना है इस महीने में महिला
सशक्तिकरण या महिला दिवस कभी भी मना सकते थे, इसलिए इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम इसको पहले ही मना देंगे ताकि हम बाद में महिला दिवस को मनाने से वंचित न रह सकें। जितने भी इसमें पूरे ग्राम सभाएं हैं, कम से कम 8 तो ग्राम सभाएं हैं और बाकी 2-4 अलग से जिन्होंने अपना महिला मंगल दल अलग से गठन किया है वो भी इसमें सम्मिलित हो रखे हैं, तो कम से कम ये 25 ग्राम महिलाएं जो उसकी महिला मंगल दल की 25 महिला गठनों का ये कार्यक्रम है, इसलिए लोगों ने निर्णय लिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई है शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और वैसे तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व होने के कारण हमने आज 5 तारीख को इसका आयोजन किया। और विगत 2 वर्षों से हम लोग महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं और हम गैरसन की सामान्य सी महिलाएँ हैं, 15 महिलाओं का हमारा एक ग्रुप है, हमने इसको महिला शक्ति संचालन समिति का नाम दिया हुआ है और हम लोग अपने प्रयासों से इस कार्यक्रम को करते हैं कि कैसे करके हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारा जो हमारी जो मंशा रही है इस ग्रुप को बनाने की कि जहाँ गैरसन की बात आएगी वहाँ पे हम सारी महिलाएं एक साथ रहेंगी। वैसे हम लोग सब विभिन्न दलों से हैं, लेकिन जहाँ पे गैरसन की बात की विकास की बात होगी वहाँ पे हम सारे लोग एक हैं, गैरसन की लड़ाई के लिए हम सारे लोग एक हैं। और यहाँ पे नगर क्षेत्र से हमारे 30 महिला मंगल दलों ने पार्टिसिपेट किया और हमने उनको इस ढंग से तैयार किया कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं पुरुष हमारे आगे होते हैं, उसके बाद हम किसी कार्य को करते हैं, लेकिन हमने महिला दिवस में ये बात रखी है कि जब जब हर साल महिला दिवस में हम महिलाएं स्वयं से सारे कार्य करेंगे और हम अपने आप को रखने का प्रयास करेंगे कि हम महिलाएं कहां तक कार्य कर सकती हैं। सर, मैं मंजू पवार ग्राम कोलियाना से, और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर बहुत खुशी से हमने ये महिला दिवस मनाया। हम बहुत खुश हैं, हमने बेझिझक होकर हमें इतनी अच्छी यहाँ पर तैयारी करने को मिली, हम बहुत प्रोत्साहित, हम चाहते हैं कि हमें आगे भी ऐसे मौके मिलते रहे और हमारा नाम भी आगे बढ़ते रहे, महिलाओं को भी आगे आने की मिलती रहे छूट और अच्छी उनके लिए व्यवस्थाएं होती रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। कार्यक्रम था घुघुती गाने में, जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और भी महिला मंगल दलों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम अपना दिखाया और सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। आज उन्हें महिला दिवस ऐसे मौके मिल रहे हैं और वो भी अपने कार्यक्रमों को दिखा रही हैं, जो उनके अंदर क्षमता है उनको वो दिखा रही हैं, महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिल रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस 8 मार्च को है और मैं अग्रिम शुभकामनाएं अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। और आज चूंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, इस परिप्रेक्ष्य में महिला शक्ति संचालन समिति गैरसैंण की बहनों के द्वारा एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और मुझे भी उन्होंने एक अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था। मैं सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर महिला मंगल दलों के द्वारा दी जा रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर पे जो है जिस प्रकार से आज हम 21वीं सदी को पार करने जा रहे हैं, महिलाओं का दिन है और नारी शक्ति हमारे उत्तराखंड की मजबूत शक्ति है और निश्चित तौर पे आज महिलाएं बहुत उभर के सामने आ रही हैं। मैं इस अवसर पर सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये अपेक्षा करूँगा कि आने वाला समय हमारी मातृशक्ति के लिए अनुकूल रहे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।